दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है कि बीमारी फैलाने की दृष्टि से जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव, जिनके ऊपर हमने विस्तार से वीडियो हमारे वेट्स क्लब चैनल पर डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दवाएं बताने जा रहा हूं, ऐसे एंटीबायोटिक्स की जानकारी देने जा रहा हूं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। याद रहे, किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक द्वारा ही किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। जहां पर भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इंफेक्शन लगता है, यानी ऐसी बीमारी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हुई है, वहां पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो सुपर एंटीबायोटिक्स है उनको इस्तेमाल किया जाता है। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था एमसेप्ट के ऊपर कि एमसेप्ट किन किन एंटीबायोटिक्स के साथ लगाया जाता है, किन किन के साथ नहीं लगाया जाता, उस वीडियो पर ही ये बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर ग्राम नेगेटिव के लिए सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन कौन कौन से हैं। तो आज मैं आपको ऐसे तीन इंजेक्शन बताने जा रहा हूं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। देखिए, एक जनरल बात पहले सुन लीजिए, जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, आप सभी को पता है कि एंटीबायोटिक्स दो प्रकार के होते हैं। जब बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे तो एंटीबायोटिक भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उनको निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। लेकिन कुछ जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि अगर वो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करने वाले हैं तो सिर्फ सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करेंगे, और अगर ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करने वाले हैं तो वो सिर्फ सिर्फ ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करेंगे। ये हो गए नैरो स्पेक्ट्रम। तो दोनों प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं। अब मैं ऐसे प्रैक्टिशनर के लिए जो बताने जा रहा हूं ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कौन कौन से अच्छे प्रभावी हैं, तो जनरल बात तो ये होगी कि जितने भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मारते हैं तो वो सभी प्रभावी रहेंगे, नंबर वन। लेकिन बात इतने में संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसा सुपर होना चाहिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर सके। तो सबसे सुपर में अगर हम देखें तो वो सॉल्ट है फ्रेंड एमिकासिन। ये जो एमिकासिन साल्ट है ना, ये बहुत ही सुपर तरीके से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, बहुत अच्छा, और फील्ड में प्रैक्टिस में रिजल्ट भी इसका बहुत ही शानदार है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर अगर हम लें तो वो है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा वर्क करता है, जेंटामाइसिन। इसके अलावा अगर कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम में से हम ऐसा लें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत शानदार काम करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लगभग सारे ही अच्छे काम करते हैं, लेकिन सुपर कौन सा है, उस सुपर जो है वो है फ्रेंड सेप्टियोफर सोडियम। सेप्टियोफर सोडियम जो साल्ट के जितने भी इंजेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा सुपर रहते हैं ग्राम नेगेटिव, हालांकि ग्राम पॉजिटिव को भी ये नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव के लिए तो इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही सुपर रहता है। तो ये तीन इंजेक्शन ऐसे हैं जो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ बहुत ही सुपर काम करते हैं।